सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस में आज के ई लेक्चर 24 नंबर का लेक्चर अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन शुरू करेंगे। तो ये क्या है कि आइडिया ऑफ CSR क्या है कि 1953 में आया था और ये HR बोवेन की एक अकेडमिक काउंसलिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो उसमें क्या था कि कंटिन्यूस बात चल रही थी रिगार्डिंग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या कंसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आइडिया अराउंड क्लियर हुआ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी किसी को पता ही नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि इस वक्त करंट में चल रहा है वो वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन दी थी कि कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कमिटमेंट है बिजनेस का, जहाँ पे वो अपना खुद का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़, फैमिली, लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी सब कुछ आता हो, उन सब का अगर कोई कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डेवलप कर रही है तो वो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में ही आती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी कंपनी में काम करने वाले लोग यानी एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, यहाँ तक कि जो उनके साथ जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स, उनके फैमिली वाले, रिलेशंस, सोसाइटी, लोकल कम्युनिटी, यानी हर वो पर्सन जो कि बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है, उन सब के प्रति उस कॉरपोरेट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनका डेवलपमेंट करना, उनके लिए अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करना और उनके लिए अच्छा लिविंग और स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये हर एक कॉरपोरेट सोसाइटी की, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें, CSR जो है ये हमें बताती है कि हम कैसे अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करेंगे। इसके अलावा हम कैसे कैसे एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम CSR के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व होंगे और कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर कुछ कोर एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए पहला आता है केयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर क्या कर रही है कंपनी कि वो सभी लोग जिनका इंटरेस्ट है आपके बिज़नेस में, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, प्रोजेक्ट पीपल हैं, सोसाइटी है, तो इन सब के लिए क्या करना है, एडिशनल वैल्यू, वैल्यूएबल कंसेप्ट के हिसाब से हमें गुड्स को तैयार करना है और उनके प्रति जो जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं वो फुलफ़िल करनी है। तो क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, तो उस रिस्क को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और उस रिस्क को कम से कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। दूसरा आता है एथिकल फंक्शनिंग। यहाँ पर आता है गवर्नेंस सिस्टम, जो कि वो सिस्टम जो कि बाय एथिक यानी राइट बिहेवियर, राइट एक्टिविटीज़, राइट वे, इन सब के थ्रू किया जा रहा है। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, आपकी जो पॉलिसी बनती है, जो आप प्रॉफिट शेयर करते हो, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हो, वो आप अपने एम्प्लॉयज़, सभी स्टेक होल्डर के साथ शेयर करते हो और हर एक पर्सन को वो स्ट्रेटजी क्लियर होती है और बिज़नेस के अंदर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ ना हो, कोई करप्शन ना हो, ये सब चीज़ों का ख्याल इस एथिक्स या एथिकल गवर्नेंस के अंदर रखा जाता है। तीसरा आता है रेस्पेक्ट फॉर वुमेंस। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपनी अपने यहाँ पे एक ऐसा वर्क प्लेस पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहाँ पर सेफ़ है, हाइजीनिक है, केयर किया जा रहा है और एम्प्लॉयज़ को फुल्ली ट्रेनिंग करने के बाद मशीनों पर काम करना या फिर उनके कैरियर के डेवलपमेंट, उनके कैरियर का ग्रोथ, इस पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। यहाँ पे क्या हम और भी क्या देखते हैं कि जो लेबर्स हैं उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लगाया गया है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके और हर एक लेबर, हर एक एम्प्लॉय को अपनी यहाँ पे इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ताकि कोई भी पर्सन थ्रेट की वजह से काम ना करे, अपना डेवलपमेंट समझते हुए करे और उनके लिए जब एम्प्लॉयमेंट होती है, जब रिक्रूटमेंट एक्टिविटी होती है तो हर एक पर्सन, हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। फिर आता है ह्यूमन राइट्स। कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखती है। ह्यूमन राइट्स की यानी कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स करेंगे, तो उन ह्यूमन बींग्स के लिए भी जो ह्यूमन राइट कमीशन है या उनके लिए जो अच्छी सोसाइटी एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छा रेस्ट रूम चाहिए, साफ कैंटीन चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए, मेडिकल किट होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें जो कि उन ह्यूमंस के लिए ज़रूरी हैं वो सब का भी ये लोग क्या करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं। देन रेस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट।
कंपनी को यहाँ ये भी चेक करना है कि वो पॉल्यूशन ना फैलाएं, रिसाइकिल के अगर कोई गुड्स ऐसी चीज़ें वेस्ट हो रही है जो कि रिसाइकिल हो सकती है, उनका प्रॉपर रिसाइकिल हो, वेस्ट को कम से कम किया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ ना किया जाए और आसपास के एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके, जैसे लैंड वाटर, है ना। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं जिनको आपको ख्याल रखना है कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वेस्ट नहीं होने चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो उसमें भी आपको कोई गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप कितना वेस्ट करेंगे, कितना आपको रिड्यूस करना है, कितना पॉल्यूशन फैलाएंगे, वो सब जो सभी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं उन सभी लॉज का आपको क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है। फिर आता है ब्रॉड डेवलपमेंट। अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हर एक बिज़नेस अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करता है, क्योंकि हमारा जो तो बिज़नेस है वो एक समाज में चल रहा है, सोशल चल रहा है, लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो हमें क्या करना है, हमें वो सभी एक्टिविटीज़ करनी है जैसे इन लोगों का डेवलपमेंट हो। जैसे अगर ऐसे कोई लोग हैं कि जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनकी स्किल्स की कमी है या उनकी लाइवलीहुड जो है वो कम होती जा रही है, हेल्थ ख़राब है, कल्चर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटीज़, तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत बड़े स्तर पर करनी है ताकि ये जो कमियां हैं जैसे शिक्षा या फिर कोई स्किल्स या फिर हम ये कहें कि उनकी लाइवलीहुड, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो ये भी एक कॉरपोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि देखा जाए नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो नेचर क्या कहता है, CSR जो है एक नॉर्मेटिव है, यानी हिसाब से चलता है, अपनी 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 कैटेगरी के हिसाब से चलता है। ऐसे ही CSR क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉरपोरेट के साथ जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, इसलिए हम इसको एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी कह रहे हैं। CSR क्या है कि प्रोएक्टिव भी और रिएक्टिव भी है, यानी पहले से आपको सोच के चलना है कि हमें कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ अपने आसपास के सोसाइटी को भी डेवलप करना है और वो सभी एक्टिविटीज़ को हमें फुलफ़िल करना है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बताई गई हैं और जो हमें लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें 7-4 फेसेस नज़र आते हैं। सबसे पहले आता है लीगल एंड रेस्पॉन्सिबल। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के हम स्टेक होल्डर जो हैं वो कुछ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कि उनको लगता है कि आप एसेट का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा दिया, जिन्होंने कहा कि आप अपना बिज़नेस खड़ा करिए, तो वहाँ पे आप उनके पैसों क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, अच्छी मशीनरी नहीं खरीद रहे, सही तरीके से एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं कर रखा है। ऐसे ही दूसरा आता है वो फेज जो कि लीगल भी है और इररेस्पॉन्सिबल भी है। यहाँ पे हम कुछ लीगल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जैसे वर्किंग कंडीशन, है ना, बट ऐसी चीज़ें जैसे जहाँ पे छोटे बच्चों को दिक्कत है, जैसे माइनर को काम करवाना, ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है। ऐसे ही हम बिज़नेस में हमें ऐसे इंटरेस्ट का बिज़नेस करना है जहाँ पे आपकी लोकल कम्युनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा जो फेस आता है वो आता है इलीगल और रेस्पॉन्सिबल। यहाँ हमें क्या करना है, समाज की भलाई के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए एजेंसीज होती हैं जो कि समाज की भलाई के लिए काम कर रही हैं, तो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने हैं, किसी को डरा धमका के काम नहीं करवाना है और जितना ज़्यादा हो सके सेफ्टी एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। फिर आता है हमारे लिए वो लोग जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इसलिए जॉब्स के लिए मना कर देते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जैसे सेक्स को लेकर, रेस को लेकर, फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर। देखिए हर एक का अधिकार बनता है कि वो अर्निंग कर सके, यदि उस पर स्किल्स है और आप दे सकते हैं, उसको स्किल का कोई रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आपका क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही चीज़ें आती हैं। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रिकॉग्नाइज कर रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए किस पर, समाज पर, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल, समाज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर एक बैलेंस स्थिति को बना के चलें। कुछ लोग कहते हैं कि CSR इज़ अ न्यू एक्टिविटी, क्योंकि कुछ लोगों को उसमें गाइडेंस का पता ही नहीं है कि सरकार इसमें चाहती क्या है। तो यहाँ पे वो चाहती है कि हम लोग ऐसी एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम कर सके, अपना विलिंगली इंटरेस्ट दिखा सके। तो यहाँ पे जो एथिकल बिहेवियर कंपनी शो करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, वो सारे के सारी चीज़ें उनको अपने मैनिफेस्ट में ऐड करनी चाहिए ताकि शुरुआत से ही लोगों को उस कंपनी के चीज़ों के बारे में पता हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो पहला आता है वो है ऑनर्स के लिए। ऑनर्स वो पर्सन होते हैं जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल लगा रहे हैं और रिस्क को बियर करते हैं, तो सबसे पहली बिज़नेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए है।
रन द बिज़नेस एफिशिएंटली, आप आसानी से बिज़नेस को रन कर सकें, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ कर सकें, कैपिटल की ग्रोथ हो सके और हर एक इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिल सके, ये आपको एक्टिविटी इंश्योर करनी है। ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए हम क्या कह रहे हैं, ताकि जिन्होंने आपके बिज़नेस में पैसा लगाया है उनको डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट एक्सेट्रा ईजिली मिल सके, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन सबको टाइमली रिटर्न दिया जा सके, सेफ्टी का इन्वेस्टमेंट हो, लोग डरे नहीं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से, आपको जो भी पैसा उन्होंने लगाया है उसका इंटरेस्ट उनको टाइम पे मिल जाए और प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको टाइमली रीपेमेंट होता रहना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।